पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी दौरे पर मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 18 साल से चौपट सरकार चल रही है और इस चौपट सरकार के राजा ने प्रदेश को महंगाई, भ्रष्टाचार और दुराचार में धकेल दिया है। कांग्रेस सरकार आएगी तो इस प्रदेश को भ्रष्टाचार दुराचार मुक्त प्रदेश बनाएगी, साथ ही गरीब किसानों का कर्जा माफ करेगी और प्रदेश की माताओं बहनों को सशक्त बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंडला में कहा कि चुनाव में 5 ही महीने बचे हैं। इससे पहले सीएम की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है। 18 साल बाद उन्हें किसान, महिलाएं और नौजवान याद आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ देंगे। ये हमारा वादा है। हम पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण भी देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, चाहिए आपको 500 रुपए। माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए देंगे, चाहिए आपको। किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे। हमने तो पहले किश्त में हमारे मंडला में 23,000 किसानों का कर्जा माफ किया था। अब दूसरा किस्त स्टार्ट होगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन हम देंगे, ये हमारा वचन है। और 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, चाहिए आपको। युवाओं को रोजगार और उद्योग, चाहिए आपको। अपने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे, ये हमारा वचन है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।